हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कायिक जनन क्या है, कायिक जनन कितने प्रकार का होता है और उनके प्रकारों के विधियों के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो कायिक जनन क्या है पहले ये जान लें हम, और जैसा कि पिछले वीडियो में हम जान भी चुके हैं कायिक जनन क्या होता है, एक बार फिर से जान लेते हैं कायिक जनन क्या है। किसी मातृ पादप के कायिक भाग द्वारा या कायिक अंगों द्वारा नई संतति पादप के निर्माण को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। किसी मातृ पादप के कायिक अंगों द्वारा नई संतति पादप के निर्माण को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को हम इंग्लिश में नेचुरल नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, तथा कृत्रिम कायिक जनन को अंग्रेजी में, इंग्लिश में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा कृत्रिम कायिक जनन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बात करें। प्राकृतिक जनन क्या होता है, जब स्वतः ही किसी जनक पादप के कायिक अंगों द्वारा नई संतति पादप का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। मतलब जब स्वतः, मतलब स्वयं स्वतः ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः ही किसी जनक पादप के कायिक अंगों द्वारा नई संतति पादप का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब जाने कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब इसमें क्या होता है, स्वतः होता है, इसमें क्या होता है, मानव का हस्तक्षेप होता है, मतलब मानवीय हस्तक्षेप। जब मानव द्वारा जनक पादप के कायिक भाग से किसी नई संतति पादप का निर्माण होता है तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक कायिक जनन तथा कृत्रिम कायिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से अब हम प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन की जो है तीन विधियां हैं, एक है जड़ द्वारा, दूसरा है तने द्वारा, तीसरा है पत्तियों द्वारा। जड़ द्वारा को हम इंग्लिश में कह सकते हैं बाय रूट, तने द्वारा मतलब बाय स्टेम, और पत्तियों द्वारा बाय लीव्स। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जड़ द्वारा कायिक जनन। कुछ पादप जैसे शीशम है और शकरकंद है आदि जो है पादप है, अमरूद है, उनमें भी जो है क्या होता है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे शकरकंद है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती निकल जाती हैं जो बाद में कुछ समय पश्चात नए पादप का निर्माण कर देती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे शीशम है, के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे शीशम है, है।
सी साउंड, शकरकंद, मूली, गाजर आदि। ये सब जो है, जो उदाहरण है, ये सब किसके हैं? जड़ द्वारा कायिक जनन के। ये प्राकृतिक रूप से जो है, ये प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक कायिक जनन में रखा गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है, तने पर अपस्थानी कलिकाएं निकलती है जो कुछ समय पश्चात नए पादप को निर्मित करती है, नए पादप का निर्माण करती है। इसके जो उदाहरण में आप आते हैं जो है, जैसे आलू है, आलू, प्याज, लहसुन, लहसुन, अदरक भी जो है इसी में आता है, क्योंकि अदरक भी तना है। तो इनमें जो है अदरक भी क्या है? तना है। तो इनमें ये सब क्या है? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। और इनमें कैसा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब ये जो है पत्तियों में, पत्तियों में, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इस अब पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक, वैसे पत्तियों में, पत्तियों में भी जो क्या होता है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनकी पत्तियों में कुछ अपस्थानी कलिकाएं निकल आती हैं जो क्या होती है, बाद में नई संतत पादप को निर्मित करती हैं। और इसके उदाहरण जो है आप हैं, देख सकते हैं आप, बिगोनिया में, बिगोनिया तथा ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया तथा ब्रायोफिल्लम ये पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो है बिगोनिया कुछ ऐसे, बिगोनिया जो है कुछ ऐसे टाइप का होता है पादप, ऐसे टाइप का पादप होता है जिसमें कुछ कुछ किनारे किनारे थोड़े हल्के हल्के ऐसे होते हैं, इन्हीं पे जो है कुछ अपस्थानी कलिकाएं ऐसे ऐसे करके निकल आती है। अब बाद में कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये अपस्थानी कलिकाएं इस पत्ती से अलग हो जाती है और नए संतत पादप को निर्मित कर देती है। दोस्तों अब हम कायिक जनन के बारे में बात करेंगे। कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन किसे कहते हैं? जब किसी जनक पादप के कायिक अंगों द्वारा मानवीय हस्तक्षेप के कारण नई संतत का निर्माण होता है, या मानवीय हस्तक्षेप के कारण, या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जब किसी जनक पादप के कायिक अंगों के द्वारा नई संतत का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, मानव किसी पादप के कायिक अंग को कट करके या किसी अन्य पादप से जोड़ करके नई संतत पादप को उत्पन्न करता है, निर्मित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की जो है कई विधियां हैं जिसके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी विधियां कृत्रिम कायिक जनन की। एक विधि है कलम लगाना, कलम लगाना जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई कटिंग। बाई कटिंग कह सकते हैं इसमें। दूसरी है दाब लगाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाई लेयरिंग। तीसरी विधि गुटी बांधना, जिसे इंग्लिश में गुटी बाइंडिंग कहते हैं। अगली विधि शाखा बंधन,
शाखा बंधन है जिसे इंग्लिश में एनआरसी कहते हैं। कृत्रिम कायजन की एक प्रमुख विधि रोपण भी है जिसे इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद जो आता है विधि है कलिकारोपण। कलिकारोपण भी जो है कृत्रिम कायजन की एक प्रमुख विधि है। इसको हम बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब जो अगली विधि आती है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। इसको इंग्लिश में हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो है कृत्रिम कायिक जनन की विधियां हैं। अब इन विधियों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहली विधि है कलम लगाना। यह विधि जो है कृत्रिम कायिक जनन की एक प्रमुख विधि है जो साधारणतः उपयोग में लाई जाती है। कलम लगाना इस विधि में होता क्या है, किसी भी जो जनक पादप होता है उसकी कायिक भाग को कट कर लेते हैं, चाहे वो रूट हुआ, चाहे जड़ लें, चाहे तना। इसमें जड़ तना में से कुछ भी लिया जा सकता है। जड़ लेंगे तो उसको कहेंगे रूट कटिंग, अगर तना लेंगे तो उसे कहेंगे स्टेम कटिंग। तो आप जड़ तना में से कुछ भी ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान देना चाहिए जो कटिंग आप लेते हैं, जो भी कलम लेते हैं, वो क्या हो उस पर वो तिरछी काट वाली हो। मतलब तिरछी काट मतलब इस टाइप की। तो तिरछी काट वाली आपको कटिंग लेनी है और उसका रोपण क्या होता है जमीन में कर दिया जाता है, जिसके कुछ समय पश्चात क्या होता है नए पादप हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कलम लगाने की जो विधि है, कलम लगाना कृत्रिम कायिक जनन की जो विधि है, ये क्या है साधारणता उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि आप लोग भी किए होंगे कभी। तो इसके जो है प्रमुख उदाहरण है जैसे जैसे गन्ने में आप लोग देखें, गन्ने में क्या होता है कलम ही लगाई जाती है। छोटे छोटे हिस्सों को कट कर नोड या इंटर नोड्स पे कट करके क्या होते हैं लगाए जाते हैं। और गुलाब हुआ, गुलाब के भी जो है कटिंग लगाई जाती है। कलम ये सब क्या है कलम लगाने के प्रमुख उदाहरण है। गुलाब है और गन्ना है, तो ये सब कलम लगाने के प्रमुख उदाहरण। अब दोस्तों हम बात करते हैं दाब लगाना। दाब लगाना में क्या होता है, दाब लगाने जो विधि है कृत्रिम कायिक जनन या उन पादपों में किया जाता है जो क्या होते हैं जमीन से बहुत कम ऊंचाई तक जाते हैं। मतलब ज्यादा उनकी जमीन से हाइट नहीं होती, मतलब और उनकी जो शाखाएं होती है वो क्या होती है कोमल और लचीली होते हैं। तो उन पादपों में दाब लगाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं जो जमीन से समीपस्थ जो शाखाएं होती हैं उन पे क्या करते हैं उस पे एक काट लगा देते हैं। काट मतलब क्या होता है चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के फलस्वरूप उसको जमीन के अंदर शाखाओं को मतलब जमीन के अंदर गाड़ कर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मतलब दाब देते हैं। मिट्टी से दाब दिया जाता है और पानी वगैरह उसमें दिया जाता है। चीरा दोस्तों इसलिए लगाया जाता है जिससे क्या हो जाइलम का संपर्क मिट्टी से बन जाए, जाइलम भी मिट्टी के संपर्क में आ जाए, जिससे क्या हो गया जो जड़े वगैरह हैं वो आसानी से निकल सके। और जब जड़ वगैरह निकल आती हैं, जब और जो उस तना होता है जो उसकी शाखाएं होती है, शाखाओं में जब नई पत्तियां आनी चालू हो जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो है अब जो है ये नए संतत पादप का निर्माण हो गया है। उसको हम वहां से कट करके नई जगह पे लगा देते हैं। इस प्रकार हमें नया पादप प्राप्त हो जाता है। अब गूटी बांधना में क्या होता है, गूटी बांधना भी दाब लगाने जैसी ही एक व्यवस्था है, लेकिन दाब लगाना क्या होता है उन पादपों में ये विधि प्रयोग में लाई जाती है जिनमें क्या होता है कि जो वो शाखाएं जो होती हैं उनकी बहुत लचकदार होती हैं और क्या होती हैं वो जो पौधे होते हैं उनकी हाइट भी जमीन से कम होती है।
उन पादपों में दाब लगाने की विधि का प्रयोग किया जाए, लेकिन बूटी बंधन का प्रयोग उसमें किया जाए जिनकी हाइट भी जमीन से काफी ऊंची हो जाती है और उनकी शाखाएं भी काफी मोटी मोटी हो जाती हैं, काफी मोटी होती है जिनको हम आसानी से मोड़ नहीं सकते, जमीन तक ला नहीं सकते, तो उनमें क्या करते हैं, बूटी बंधन का प्रयोग करते हैं। जिसमें जिसमें होता क्या है, जो जिस भी शाखा से आपको नया पादप प्राप्त करना है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो जिसको छाल कहते हैं, छाल की जो वलय होती है, वलय मतलब रिंग, जो छाल होता है चारों तरफ से होता है ना, तो उसको छाल का वलय कह सकते हैं। तो छाल के जो वलय होता है, जो रिंग होता है, उसको हम पहले निकाल देते हैं पूरी तरीके से, चारों तरफ से साफ करते हैं। चारों तरफ साफ करने के बाद उसमें कुछ पोषक तत्व जैसे गोबर खाद वगैरह लगा दिया, चारों तरफ लगाने के बाद उसमें भीगी हुई रुई रुई को या रुई वगैरह या कपड़े वगैरह से क्या करते हैं, उसको बाइंड कर रहे हैं, जिससे क्या हो, जो पोषक पदार्थ है और पोषक पदार्थ में जो पानी वगैरह है उसकी नमी सूखने ना पाए, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस तो है ना, ये हफ्तों दो हफ्तों में उनमें जड़े आएंगी तो पानी सूख सकता है, इसलिए पानी सूखे ना, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें रुई, भीगी हुई रुई को चारों तरफ से पोषक पदार्थ को बाइंड करते, मतलब ढक देंगे। ढक देने के बाद उनमें सूक्ष्म जीवियों का, माइक्रोब्स का संक्रमण ना हो, इसलिए क्या करेंगे उसको चार पॉलीथीन से भी उस ढक देंगे, जिससे क्या हो, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवियों का संक्रमण ना हो। तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, रस्सी से चारों तरफ से उसको बांध देंगे, जिससे पॉलीथीन वगैरह ये सब खुले ना। और कुछ समय पश्चात फिर देखेंगे कि जो वो शाखा होती है, उस शाखा में नई नई पत्तियां, नई नई कलिकाएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं। जब नई कलिकाएं नई कलिकाओं का आना प्रारंभ हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो गुटी बंधन वाला जो प्रयोग है नई संतति को प्राप्त करने का, तो वो क्या हुआ, सफल हो गया है। आप उसको उस शाखा को कट करके कहीं अन्य जगह पे लगा सकते, इस प्रकार आपको नई संतति पादप क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, नया पादप प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो छाल को छीलने की विधि है, जो छाल का वलय होता है उसको हटाने की विधि को हम क्या कहते हैं, वलयन कहते हैं। मतलब वलय, वलय को हटाना क्या कहलाता है, वलयन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्डलिंग कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्डलिंग कहते हैं। जो छाल होता है, छाल क्या होता है, वलय रूप में होता है, रिंग के रूप में चारों तरफ घेरा होता है, उस छाल को हटाना क्या कहलाता है, वलयन कहलाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्डलिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात का ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो हमने भीगी हुई रुई लगाए हुए भीगी जो पोषक पदार्थ, तो उसकी नमी सूखने ना पाए, तो उसमें क्या करते हैं, जो उसके ऊपरी शाखा, जैसे ये प्लांट है, तो अगर हम इस शाखा पे जो है हमने सब पोषक पदार्थ वगैरह लगा दिया है, इस पे हम नया पादप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या, इसकी नमी हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद सूख सकता है, तो इस क्या करें, इसकी नमी सूखे ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपरी शाखा हो, जो इसकी ऊपरी शाखा हो, उस पे हम क्या करेंगे, एक कुछ भी मटका वगैरह बांध सकते हैं, बांध कर क्या करेंगे, इसको रस्सी की सहायता से इसमें नमी को पहुंचाया जा सके, जिससे इसकी नमी सूखे ना और नमी बनी रहे, और जब इसमें से क्या होगा, कलिकाएं वगैरह निकलनी, कलिकाएं निकलनी प्रारंभ हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि क्या ये हमारा गुटी बंधन का जो काय जनन का जो प्रयास था वो सफल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस सेक्शन को यहाँ से कट करके निकाल कर चाहे जहां इसका रोपण कर देंगे, तो इससे नया पादप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम शाखा बंधन के बारे में जाएंगे। शाखा बंधन क्या होता है, शाखा बंधन भी एक कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधि है, जिसमें एक निम्न श्रेणी के पादप से एक उच्च श्रेणी का पादप प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे निम्न श्रेणी का पादप है, तो उसमें किसी उच्च श्रेणी के पादप के जो शाखा होती है दोनों को बाइंड कर देते हैं, और बाइंड करने के कुछ समय पश्चात क्या होती है, जो उच्च श्रेणी का पादप होता है उसकी शाखा से नई नई कलिकाएं आना प्रारंभ हो जाती है। कुछ समय पश्चात क्या, दोनों शाखाएं जुड़ जाती हैं और उस शाखा से भी नई नई कलिकाएं आनी प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रकार हमारा जो शाखा बंधन का प्रयास होता है वो सफल हो जाता है, और हमें एक ही पादप से उसी तरह से, उसी पादप से हमें नए उच्च श्रेणी के
पादप की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उस किस्म के फल या फूल वगैरह हमें मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ ये विधि, इस विधि का प्रयोग जो है फूलों वगैरह, फूल या फलों के लिए, फूल या फल वाले जो पेड़ हैं, जैसे सेब है, संतरा है, अमरूद है, तो इन सब में ये विधि, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ क्या होता है? रोपड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पादप है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे उसके तने को, जो तना होता है, जैसे जो ये जो तना है, उस तने क्या ऐसे तिरछा काट कर लेते हैं, काट देते हैं। और इसपे क्या होता है, अन्य जिस 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 जो है उच्च श्रेणी का पादप हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके तने को लाकर यहाँ पे बाइंड कर दिया जाता है। बाइंड करने के बाद क्या, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको हम रस्सी वगैरह से क्या करते थे, बाइंड करते हैं, जिससे क्या हो, ये दोनों तने क्या हो, खिसके, दोनों तने परस्पर मिले रहे, जुड़े रहे, और ये खिसके ना इस प्रक्रिया। और कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो ये जो तना हम लगाए हैं, इसमें नई नई कलिकाएं आनी प्रारंभ हो जाती है, और प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हमें एक निम्न श्रेणी के तने से एक उच्च श्रेणी का पादप प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, रोपड़ कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कलिका रोपण। कलिका रोपण क्या है? कलिका रोपण में क्या होता है, जैसे ये रोपण है, रोपण में क्या होता था, निम्न श्रेणी का जो पादप था उसके तने को क्या ऊपरी भाग से ही कट कर दिया, जिसपे उच्च श्रेणी के पादप के तने को लाकर जोड़ दिया गया, जिससे हमें नया पादप प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पादप होता है उसकी साख उसके तने को हम कट नहीं करते हैं, उसके तने को हम कट नहीं करते हैं, उसपे एक काट लगा देते हैं। काट चाहे टी आकार का लगाएं, चाहे वी आकार का लगाएं, चाहे जिस आकार का लगाएं, काट लगा देते हैं। और उसकी शाखाओं को भी हम नहीं छूते हैं, उसकी शाखाएं भी हम पड़ी रहने देते हैं, उसको भी कट नहीं करते हैं, उसको भी हम कट नहीं करते। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काट लगाते हैं। इस काट में ही जो उच्च श्रेणी का पादप आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस उच्च श्रेणी के पादप को इसी में लाकर उसी हिसाब से कट करके, तिरछा कट करके यहाँ पे लगा देते हैं। और लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। और जिस तरफ से जोड़ते हैं उस तरफ क्या करते हैं, छाल को हटा दिया जाता है, छाल को हटा दिया, जिससे क्या होता है, जाइलम जाइलम का संपर्क बन जाए। और फिर क्या करते हैं, इसको बाइंड कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, ये खिसके ना, जुड़े रहें। और कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये जो आपने नया जो है शाखा, जो भी आपने नई ब्रांच लाकर लगाई थी, कुछ समय पश्चात क्या होता है, उसमें कलिकाओं का निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो आप क्या, जो जो निम्न श्रेणी का पादप था उसके सभी सभी जो है ब्रांचेस को हम कट कर देते हैं। इस प्रकार हमें निम्न श्रेणी के तने से एक उच्च श्रेणी का प्लांट प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले से ही तना पूरा कट रहता है, जिसमें लाकर एक तने को ही लगा दिया, शाखा को लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शाखाओं को छूते नहीं है, इसमें कट लगाते हैं, जिसमें लाकर नई शाखा को क्या करते हैं, उसी में लगा दिया जाता है। जब कलिकाएं निकलती हैं, तो पादप के जो अन्य ब्रांचेज होते हैं, जो पुराने ब्रांचेज होते हैं, उनको कट करके निकाल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक निम्न श्रेणी के तने से एक उच्च श्रेणी का प्लांट पादप प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें कम समय में अधिक से अधिक पादपों को प्राप्त करना होता है। कम समय में या एक ही समय में अधिक से अधिक पादपों को प्राप्त करने के लिए हम क्या सूक्ष्म प्रवर्धन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, आप एक ही बार में सैकड़ों या हजारों की संख्या में नए पादपों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितनी भी विधियां आपने इसके पहले पढ़ी हैं, सब में क्या होगा, एक दो या चार पांच या दस, लेकिन इसमें क्या होता है, सैकड़ों या हजारों संख्या में आप नए पादप को प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में होता क्या है कि किसी भी जो जो जनक पादप होता है, उसके किसी भी कायिक भाग की एक कोशिका को लेकर संवर्धन माध्यम में रख दिया। संवर्धन माध्यम किसे कहते हैं दोस्तों? संवर्धन माध्यम क्या होता है, वह माध्यम होता है जिसमें क्या होता है, एक पादप के वृद्धि विकास के लिए जरूरी या जरूरी कहें, चाहे आवश्यक कहें, जो संपूर्ण पदार्थ होता है वो उसमें निहित होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम में
पादप के जो जनक पादप होता है उसके कायिक अंग के एक कोशिका को, किसी भी कायिक अंग की एक कोशिका को क्या करते हैं, रख देते हैं, जिसमें क्या होता है लगातार सूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। और सूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होती है, जो कोशिका होती है वो अपनी संख्या को बढ़ा लेती है, मतलब एक कोशिकाओं का समूह तैयार हो जाता है। उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कायलस कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, कायलस कहा जाता है। संवर्धन माध्यम में जो कोशिकाओं का समूह बन जाता है उस कोशिकाओं का समूह को हम क्या कहते हैं, कायलस कहते हैं। जब ये कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो हम क्या करते हैं उसको अन्य किसी पात्र में उस कोशिकाओं के समूह या कैलस को हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, जिसमें कुछ समय पश्चात विभेदन होना प्रारंभ होता है। विभेदन क्रिया के फलस्वरूप ही क्या होता है, इनमें पत्ती जड़ तथा तनों का विकास होना प्रारंभ। जब जड़ तना पत्तियां प्रत्येक कोशिका से निकलना प्रारंभ हो जाती हैं तो हम उनको क्या करते हैं अलग अलग पात्रों में रोपित कर देते हैं, छोटे छोटे पात्रों में रोपित, जैसे छोटे छोटे ग्लास वगैरह में हम इनको क्या कर देते हैं रोपित कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। इसके पश्चात क्या क्या करते हैं, जब थोड़ी और बड़ी बड़ी इनमें और विकास हो जाता है, तने पत्ती तथा जड़ का जब अधिक विकास हो जाता है तो हम इसको चाहे जिस स्थान पर ले जाकर रोपित कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।